बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। फैसले से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आया बयान। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण। हमारी कोशिश है कि घोषणा पत्र के वादे पूरे करें। किसान आंदोलन पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हालांकि फैसले से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है और हमारी भी कोशिश है कि हम घोषणा पत्र के सभी वादे पूरे करें। बड़ी खबर आ रही है इस समय राजधानी जयपुर से, सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन और उनसे जुड़ी एक सुनवाई चल रही है। उससे पहले सचिन पायलट का एक बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कल टिप्पणी करी है और आज संभवतः उनका आदेश भी आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात को दर्शाता है कि जिस बात को हम दो महीने से कह रहे थे, जिस बात को किसान संगठन, हजारों लाखों किसान, पॉलिटिकल पार्टियां, गैर सरकारी संस्थाएं जिस बात पर जोर दे रही थी कि ये कानून बहुत जल्दबाजी में, बहुत ज़बरदस्ती से और बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाले कानून हैं, इसका एक तरह से पुष्टिकरण सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इतना विरोध होने के बाद, गतिरोध होने के बाद, सरकार ने जो रवैया अपनाया, किसानों को इस ठंड के मौसम में बार बार वार्ता के लिए बुलाया, उनकी बात सुनने से मना कर दिया, जो जिद का उन्होंने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का काम न्यायालय ने किया है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि अंतिम निर्णय क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो किसान मांग कर रहे, जो बात को हम बोल रहे थे कि ये आत्मघाती हैं तीनों कानून, इसको वापस लेना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी की है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार का रवैया था, उनका काम करने का तरीका था, उनकी जो सोच थी, बिना चर्चा के, बिना संवाद के जबरदस्ती संसद में जो बिल पारित कराए थे उस पर एक तरह से उन्होंने रोक लगाने का एक तरह से काम किया है, उसका सभी स्वागत करें। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अंत में सरकार का क्या रुख रहता है इस निर्णय के बाद। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने से पहले काफी महत्वपूर्ण भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के कृषि बिलों पर फैसले से पहले अपनी प्रतिक्रिया दी और एक तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार किसानों के समर्थन में बात को रखते आए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि तमाम जो किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, सभी ने मिलकर इन कानूनों का विरोध किया है, लेकिन केंद्र के जो नेता थे, बीजेपी के जो नेता हैं, लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये जो बिल लाए गए हैं ये किसानों के पक्ष के हैं, समर्थन के हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर कांग्रेस के नेता मुखर हो गए। इसी कड़ी में सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कहीं ना कहीं जो दो महीने से लगातार कांग्रेस के नेता अपनी बात को रख रहे थे और इन बिलों का विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन कृषि बिलों को लेकर किसानों में जो आक्रोश है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सकारात्मक कड़ी में जो टिप्पणी की है उसी को लेकर अपनी बात को रखा है। वहीं हम आपको बता दें, सचिन पायलट लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। कल भी टोंक में किसान संवाद रैली के दौरान सचिन पायलट ने कहा था कि इन कृषि बिलों से जो किसान है, खेत का मजदूर है, वो अपने ही खेतों में मजदूर हो जाएगा और बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का कृषि पर कब्जा हो जाएगा। ऐसे में सचिन पायलट लगातार कहते हैं कि गांव की जमीन पर खेती किसानी करने वाले किसान को मजबूत करने की आवश्यकता और सरकार ने कोई कसर किसानों को के हित में कदम उठाने में नहीं छोड़ी है। लेकिन जिस प्रकार इन कृषि कानूनों को लेकर माहौल है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को नरम रुख अपनाते हुए किसानों की बात को सुना जाना चाहिए था। अब कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। सचिन पायलट ने भी इस बात को कहा कि कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा और सरकार का क्या होगा, ये इस पर काफी चीजें निर्भर करती है। जी जी बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पायलट साहब ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और जाहिर सी बात है, वो सचिन पायलट खुद किसान हितैषी हैं और पूर्व में भी वो टोंक दौरे पर भी रहे, किसान सम्मेलन में उन्होंने शिरकत भी की है। और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा करी थी, किसानों में, ग्रामीण अंचल में सचिन पायलट का एक काफ़ी एक बड़ा कद है और उनका किसान आंदोलन, कृषि कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से बयान देना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल लोकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट लेने आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।